21 में भी आपको बता दें कि इनके मैथ और रीजनिंग में फुल मार्क्स है, तो इस बार भी फुल मार्क्स आपके भी आने वाले। अगर ऐसे बच्चों के लिए मैं बताना चाहूंगा जो मैथ से डरते हैं या कुछ अकड़ते हैं, वो इस तरीके से सेट करते हैं, स्टार्टिंग में कई बार हार्ड क्वेश्चन सेट कर देते हैं ताकि बच्चे को टाइम लग जाए और वो उसमें फंस जाए या घबराहट हो जाए। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी तरह स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आज हमारे साथ दुर्गेश भाई जुड़े हुए हैं क्योंकि इनके मैथ में फुल वैसे फुल मार्क्स हैं। आपकी डिमांड आ रही थी ना, मैथ वाले को लाइए, इनके फुल मार्क्स हैं। इनने बहुत ज़्यादा स्टडी की होगी, देखो स्टडी तो सभी करते हैं और इनने एग्जाम में प्रेशर हैंडल करा होगा और एग्जाम में अच्छे से क्लियर किया होगा मैथ को, तब जाके फुल वैसे फुल मार्क्स। ये भी बताना चाहूँगा कि इनके 2021 में मैथ में भी फुल थे और रीजनिंग में भी फुल थे। रीजनिंग का तो मैंने इंटरव्यू आपको दे दिया, ये मैथ के बारे में स्पेशली आपको बताएंगे और बाकी अपना नॉर्मेशन स्कोर, रो स्कोर, वो सब कुछ बताने वाले। गाइज अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको ऑथेंटिक जानकारी देखने को मिल जाती है। देखो गाइज अगर आपने टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो जल्दी से जुड़ जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या सर्च कर सकते हैं, जो हमारा यूट्यूब चैनल का नेम है YT हो रहा है, इससे सर्च करेंगे तो मैं इजीली आपको मिल जाऊंगा टेलीग्राम पे। वहां पे जैसे ही देखो टाइम हमारे पास कम रहता है, जैसे छोटी मोटी अपडेट आती है ना तुरंत वहां पे फॉरवर्ड करता हूं ताकि आपको अपडेट रहे। देखो अब बात करते हैं दुर्गेश भाई के, दुर्गेश भाई से पूछते हैं ये कहां से हैं और इनका नाम क्या है पूरा। दुर्गेश भाई नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दुर्गेश कुमार सैनी, मैं UP जिला बिजनौर का रहने वाला हूँ। नजीबाबाद के पास में मेरे गाँव पड़ता है जिसका नाम मोचीपुरा है। बाकी देखो दोस्तों इनने अपना परिचय तो बता दिया, देखो अब दुर्गेश भाई से पूछते हैं कि इनका रो स्कोर SSC GD में कितना रहा था, उसके बाद नॉर्मेशन स्कोर कितना रहा। मेरा जो रो स्कोर बना था वो मेरा 139 बना था, जो नॉर्मलाइज होके 148.8 बना, जो कि लगभग 141 के आसपास ही है। इनका नॉर्मेशन बहुत कम हुआ था, 141 इनका नॉर्मेशन हुआ था, 139 इनका स्कोर था। देखो इनके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स पूछ लेते हैं, बाकी फिर उसके बाद पूछेंगे मैथ में इनने कैसे स्ट्रेटेजी की थी, वो सारा कुछ ये बताएंगे। मेरा जो सब्जेक्ट वाइज स्कोर बना था वो मेरा GK में बना है 26, जो कि मतलब एवरेज ही माना जाता है। बाकी मेरा मैथ में आउट ऑफ आउट रहा, रीजनिंग में मेरा इस बार थोड़ा एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 38 का रहा, गलत नहीं हुआ था दोस्तों। मैं बताना चाहूँगा कि टाइम थोड़ा सा इस बार का थोड़ा शॉर्टेज पड़ा था क्योंकि इस बार पहली बार हमारा टाइम कम हुआ था। पिछली बार जो एग्ज़ाम होता था, मैंने इससे पहले भी एक बार और दिया हुआ है एग्ज़ाम, ये मेरा सेकंड चांस था, उसमें मेरा आउट ऑफ आउट था मैथ और रीजनिंग दोनों में। बट इस बार जब टाइम का मेरे को वो लग रहा था तो मैंने कुछ क्वेश्चन एडजस्ट करने पड़ते हैं, जब मेरे को लगा कि टाइम थोड़ा कम पड़ सकता है तो मैंने कुछ क्वेश्चन बाद के लिए बचा के रखे, जो लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन छूट गया था, उसकी वजह से 38 मार्क्स रहा, मैथ मेरा आउट ऑफ आउट रहा। देखो दुर्गेश भाई ने अपना स्कोर कार्ड बता दिया, 2021 में 25 क्वेश्चन आते थे ना मैथ में, 25 ही नहीं हुआ, 25 आते थे, 25 के नंबर का था ना, 25 नंबर का फुल में से फुल ये मार्क्स लाए थे। अब दुर्गेश भाई से ये पूछते हैं कि जैसे एग्जाम होता है, आपका एग्जाम हुआ था होगा तो उसमें ज़्यादा सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एवरेज सब्जेक्ट को किस में मतलब क्या मैथ में। मैथ का ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इनका ऐसा होता है कि SSC GD जो है एक सेट नहीं बनाता, वो हमारी काफ़ी सारी शिफ्ट होती है तो लगभग 50-60 सेट इनके बनाए जाते हैं, जो कि हर एक चैप्टर में से बराबर इक्वल मार्किंग का एक क्वेश्चन रखे जाते हैं। अगर मैं बात करूं तुम्हें कि तुम्हारे पास में कुछ लड़के बोलते हैं कि मेरे सेट में जो है ज़्यादा इसमें से आया, ज़्यादा इसमें से आया, तो ऐसा ये भरोसे इसके भरोसे मत रहना कि कोई अगर आपको बताता है कि इसमें से ज़्यादा पार्ट आ रहा है तो मैं इसी की तैयारी करूं। दोस्तों आपको ये नहीं पता कि आपके सामने कौन सा सेट आ जाए, तो आप जो हर एक सब्जेक्ट की हर एक चैप्टर की बराबर इक्वल तैयारी करिए। बाकी मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट में एनालिसिस जरूर करिए उसको, क्योंकि एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, उसमें से हमें ये पता चलता है कि हम जिस चैप्टर में वीक चल रहे हैं तो हम पहले उसको टारगेट करके उसको क्लियर करते हैं ताकि हम आगे फुल आउट ऑफ आउट ला सकें। जैसे कि दुर्गेश भाई ने बताया कि कोई भी सेट आ सकता है, ये होता भी एग्जाम में कि हर अलग अलग सेट पे बने रहते हैं, देखो किसी में परसेंटेज के ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो किसी में अदर टॉपिक के जैसे CI SI उसके ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। दुर्गेश भाई से ये पूछना चाह रहे हैं कई कमज़ोर बच्चे होते हैं तो वो जैसे अभी प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो वो मैथ में कौन से सब्जेक्ट अच्छे से पढ़े जो थोड़ा ईजिली वो सॉल्व कर पाए, कई कई हार्ड चैप्टर होते हैं तो वो कर नहीं पाते, पहले उन चैप्टरों को पकड़े थोड़ा बहुत कर लें, अगर यहाँ पर वो मैथ को कर लेते तो फिर अदर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर जाएंगे तो उनका भी चांस बनेगा। कई ऐसे बच्चे हैं, बहुत
सारे कमेंट आ रहे हैं कि आठ नौ क्वेश्चन बन रहे हैं, 20 में से कोई कह रहा मेरे 12 बन रहे, कोई कह रहा कुछ कह रहा है। हमारे पास दोस्तों टाइम बहुत कम होता है, उस टाइम में से आज संडे है तो टाइम निकाल के आए हैं, अभी भी पता नहीं है कभी भी बुला सकते हैं, तो उसी टाइम में से आपको बता रहे हैं, तो आप भी इसका यूज करेगा, आपका भी सिलेक्शन होगा। ये दुर्गेश भाई बताएंगे कौन से सब्जेक्ट जो नॉर्मल रहते हैं उन्हें पहले किया जाए। देखो दोस्तों, मैं पहले सबसे पहले मैथ की बात करना चाहूँगा आपके सामने। मैथ सब्जेक्ट अगर तुम्हारा सबसे अच्छा इसको अच्छा टाइमिंग के अकॉर्डिंग तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस चल रही है तो आपको सबसे पहले मैथ का करना चाहिए, क्योंकि इसमें आप आउट ऑफ आउट कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूँ जीके की या जीएस वगैरह का जो पार्ट होता है उसमें आउट ऑफ आउट लाना बहुत मुश्किल होता है और ज़्यादा टाइम भी बहुत कम लगता है। तो अगर हम लास्ट के लिए 5 से 7 मिनट भी बचा के रखते हैं उसके लिए तो उतने में वो कवर हो जाता है। बट कई बार बच्चे क्या करते हैं, अगर स्टार्टिंग में जीएस या जीके वगैरह करने लगते हैं तो हम जो है उसमें स्टार्टिंग में हमारे पास में टाइम काफ़ी ज़्यादा दिख रहा होता है तो उसमें हम जो है 10 मिनट लगा देते हैं, कई बार 11-12 मिनट तक पहुंच जाते हैं तो लास्ट में फिर मैथ के लिए टाइम नहीं बच पाता। बाकी ये हमारी अंदर की कैपेबिलिटी डिपेंड करती है कि हमारी प्रैक्टिस कैसी है मैथ में। अगर मैथ का आपका स्कोर जो है अच्छा आ रहा है तो सबसे पहले आप मैथ का चूज करना अटेम्प्ट करने के लिए। अगर स्कोर नहीं बन पा रहा तो सबसे पहले आप, मैं तो यही कहूँगा कि प्रैक्टिस सेट लगाइए और उसमें से एनालिसिस करिए। क्योंकि मैं अपनी अगर बताना चाहूँ तो मैंने इस वाले एग्ज़ाम के लिए मैंने पिछली बार थोड़ी तैयारी की थी, इस बार ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया था। पिछली बार मैं फाइनल कट ऑफ तक आया, इस बार जो है मेरे 141 तक ही पहुँचे मार्क्स, वो भी मैथ और रीजनिंग की वजह से ही बोलूँगा मैं। क्योंकि इसमें आउट ऑफ आउट अगर तुम कर देते हो तो स्कोरिंग सब्जेक्ट यही होते हैं। जीके में ज़्यादा नंबर नहीं ला सकते आप, वैसे तो इस एसएससी जीडी की बात करोगे तो इसमें हिंदी भी काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो केवल एक ही एग्ज़ाम की तैयारी करना। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे करते हैं ना, कुछ स्टेट की तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे होते हैं, तो स्टेट में जो है थोड़ा अलग चला जाता है। अगर एसएससी जीडी की बात करोगे आप, तो एसएससी जीडी में हिंदी, मैथ और रीजनिंग पे फोकस करिएगा, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट एक स्कोरिंग सब्जेक्ट माने जाते हैं। जीके का अगर आप एवरेज भी आओगे या थोड़ा अब भी जाते हो तो आपका बहुत बेनिफिट हो जाएगा उसमें। बट जो है मैथ, रीजनिंग और हिंदी, अगर इन तीनों में करोगे तो इसमें सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो सब्जेक्ट होते हैं वो यही माने जाते हैं। दुर्गेश भाई ने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कौन से सब्जेक्ट आपको पहले करना है। अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो मैथ में, तो मैथ को पहले करेगा, ये इन्हें बताया। अब दुर्गेश भाई से ये पूछते हैं कि जब आप मैथ का सेट खोल लोगे पेपर में तो आपने एक ही बार में सारे क्वेश्चन कर देते कि मैथ के, या फर्स्ट टाइम में कितने क्वेश्चन किए थे और सेकेंड टाइम में कितने बचे थे मैथ के? ऐसा होता है ना कुछ दोस्तों कि इसमें जब सेट, जब जो भी एग्जामिनर सेट करते होंगे वो इस तरीके से सेट करते हैं, स्टार्टिंग में कई बार हार्ड क्वेश्चन सेट कर देते हैं ताकि बच्चे को टाइम लग जाए, वो उसमें फंस जाए या घबराहट हो जाए। तो उससे घबराना नहीं है। अगर आपको लग रहा है स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे तो उनको बाद के लिए छोड़ो, बट टाइम वेस्ट मत करो उसमें। अगर आपको लग रहा कि नहीं हो रहा, एक बार में पता चल जाता है क्वेश्चन को देख के कि हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उसके लिए बाद में छोड़ दो उसको, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। और स्किप करते हुए अगर हमारा मैथ का पार्ट कंप्लीट हो जाता है, अगर हमारे 5-6 क्वेश्चन रह भी जाते हैं बाद के लिए, तो उनको जरूरी नहीं उसी टाइम डील करो, थोड़ा आगे नेक्स्ट रीजनिंग के पार्ट पे जा सकते हो, या अपने अकॉर्डिंग आप हिंदी पे जा सकते हो या जीके पे जा सकते हो। बट ऐसे ही स्किप करते हुए जो आपको नहीं आ रहा है उसको बाद के लिए बचाना चाहिए, अगर आपको टाइमिंग मैनेज करना है तो। क्योंकि दोस्तों आजकल टाइमिंग बहुत कम, टाइमिंग की बहुत वैल्यू है, टाइमिंग कम हो चुका है इस बार। पिछली बार तो 1.5 घंटा हुआ करता था, 90 मिनट काफ़ी होती थी, 100 क्वेश्चनों पर 90 मिनट, एक ही मिनट के आसपास पड़ जाया करता था। बट इस बार क्या हो रहा है कि टाइम भी कम हुआ और 80 क्वेश्चन है। थोड़ा इस बार जितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है तो मैथ का लेवल या रीजनिंग का लेवल ऐसा हुआ है ना, कुछ 2-4 क्वेश्चन ऐसे रखता ही है एग्जामिनर, ताकि बच्चा जो है हॉपलेस हो जाए, थोड़ा घबरा जाए, उसमें अटक जाए, टाइम वेस्ट हो जाए उसका। तो उससे हमें बच के पहले इजी क्वेश्चनों पे करना है। वो अगर हो जाएंगे तो आपका, कई बार ऐसे होता है ना मैथ का, अगर एक क्वेश्चन आपको अटका रहा है, उसमें हार्ड कर रहा है, तो उसकी वजह से हमारे क्या पता जीके में लास्ट में जो 5 मिनट रोकने वाले थे हम उसके लिए, उसके 15 क्वेश्चन हमको आते हों, वो हम 5 मिनट हम इसी में निकाल दें और रीजनिंग का जीके का टाइम ही नहीं मिले हमको, तो उसके लिए हमें जो है स्किप करना है और उन क्वेश्चनों को लास्ट में डील करना है। टाइम आसानी से बच जाता है उनके लिए, आप लास्ट में डील कर सकते हैं उन क्वेश्चनों को। दुर्गेश भाई, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैथ क्वेश्चन किए थे कितने किए थे लगभग? मैंने फर्स्ट टाइम 20 तो नहीं किए, नहीं 20 में से मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े थे, वैसे थोड़ा टाइम ले रहे थे। तो मैथ के मैंने 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, रीजनिंग के भी मैंने 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। उसके बाद में मैं हिंदी पे गया, हिंदी में मैंने आउट ऑफ आउट किए थे,
उसके बाद मैं जीके पे गया। जीके पे मैंने मतलब आजकल आपको पता ही है कि कहाँ कहाँ से आता है, फिर भी मैंने जो है 18 तक स्कोर 18 अटैम्प्ट कर दिए थे, जिसमें से मेरे 4 क्वेश्चन गलत हो चुके थे उसमें जब मैंने आंसर की मिलाई थी, और एक क्वेश्चन मेरा हिंदी में गलत हुआ था। और मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग में मेरा जो है एक क्वेश्चन गलत हुआ, और मैथ में मेरा इस बार का बता रहा हूँ मैं, बाद में भी मैंने अटैम्प्ट किए रीजनिंग में, जो कि आउट ऑफ आउट बाद में जो है टाइम मैंने बचा लिया था उनके लिए, जो मैंने छोड़े गए थे मैथ और रीजनिंग में जो छोड़े थे उसमें, उसके लिए भी टाइम निकाल दिया था मैंने, बचा लिया था। इसमें मैथ में मेरे सारे ठीक हुए और रीजनिंग में मेरा एक गलत हुआ। वो हो जाता है कई बार हॉपलेस या जो भी जल्दी जल्दबाजी के चक्कर में, मतलब वो आता था क्वेश्चन पर जल्दबाजी के चक्कर में जो है कहीं कोई भी कैलकुलेशन में कहीं भी मिस्टेक हो सकती है, तो उसकी वजह से हो जाता है। आप बस टाइमिंग का ध्यान रखना इसमें। दुर्गेश भाई, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट वीक होते हैं तो 100% नहीं कर पाते मैथ में, तो 50-60% तक कर जाते, तो वो भी यहाँ पे पोस्टिंग ले जाते हैं, तो उनके बारे में बताएं कि उन्हें कौन से टॉपिक करने चाहिए पहले, जैसे एग्जाम में पढ़ लें तो अभी स्टडी कर रहे हैं तो पहले पहले नॉर्मल टॉपिक होते हैं कोई कोई, तो उनसे क्वेश्चन भी फंसते हैं, कोई कोई हार्ड होते हैं, जैसे CI से लोग डरते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन दिखते हैं तो CI नहीं करता है। कई ऐसे चैप्टर हैं जो स्कोरिंग करवा देते हैं, जैसे आपका 50 या 60% स्कोर करवा देते हैं, कई ऐसे बच्चे होते हैं तो 0 मतलब करते नहीं, छूते नहीं, तो फिर उनका सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाता है। कई वीक होते हैं, उनके बारे में बताएं कि वो कौन से टॉपिक पहले पढ़े, आजकल जैसे तैयारी कर रहे हैं तो वो टॉपिक पढ़े ताकि उनका 50 से 60% तो स्कोर आ जाए मैथ पे। देखो, ऐसे बच्चों के लिए मैं बताना चाहूँगा जो मैथ से डरते हैं या कुछ करते हैं, तो कुछ सब चैप्टर मैथ में इतने इजी हैं कि अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो केवल कैलकुलेशन, इतना तो कैलकुलेशन हम आम जीवन में भी यूज़ करते हैं जितना SSC GD में पूछा जाता है। जैसे कि पैसों की बात करें, अगर कोई बात करे आपको कि 1000 रुपये का नोट आपको किसी भी दुकान पर लेके जाते हो, आजकल 1000 का बंद हो गया सॉरी, तो मैं 2000 को 2000 के नोट से एग्जाम्पल देना चाहूँगा। अगर मान लो आप 2000 का नोट लेके जा रहे हो किसी दुकान पर, उसमें से आपने जो है 37 रुपये की चीज़ खरीदी, तो आप दुकानदार अगर अनपढ़ भी होगा, मान लो कोई दुकानदार पे जो भी बैठी है बड़ी अम्मा बूढ़ी अम्मा बैठी है, उनको कभी स्कूल नहीं गई, कुछ हिसाब किताब का नहीं पता, बट फिर भी वो 37 रुपये तुरंत काट के आपको पूरे बराबर पैसे देती है, और आप जब जाते हो वापस आप गिनते चले जाते हो घर तक, आपसे हिसाब नहीं जुड़ पाता, तो वो भी तो एक नॉर्मल मैथ यूज़ करती हैं। वही मैथ को उसी तरीके से समझना है बस, और इजी इजी क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी मैथ पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि मैं बताऊंगा कि परसेंटेज अगर आपने समझ लिया, तो परसेंटेज से हमारे जो है 3-4 चैप्टर जुड़े हुए होते हैं। पहला चैप्टर परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस भी परसेंटेज ही है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी परसेंटेज ही है, और सिंपल इंटरेस्ट भी परसेंटेज ही है। तो 4-5 चैप्टर केवल परसेंटेज पे डिपेंड करते हैं। अगर आप जो है परसेंटेज को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो इसमें आपके 4 चैप्टर कंप्लीट होते हैं। दूसरा मैं बात करूंगा टाइम एंड वर्क हुआ, आजकल टाइम एंड वर्क के साथ में जो है तमय चाल दूरी वाला जो चैप्टर होता है वो ट्रेन से रिलेट कर जाता है, तो ये ऐसे ग्रुप बना के जो चैप्टर को एक चैप्टर बना लो तो उसमें आसानी हो जाती है, क्योंकि इसमें आप जो है अलग अलग प्रेशर नहीं ले पाओगे। जैसे कि परसेंटेज का अलग प्रेशर लेते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट का अलग प्रेशर लेते हो, प्रॉफिट एंड लॉस का अलग प्रेशर लेते हो, अगर आप एक एक ही रिलेट कर लोगे एक ही तरह, तो आप जो है फ्लो बना लेते हो चारों चैप्टरों का, या फिर वर्क टाइम एंड वर्क हुआ, पाइप एंड क्रिस्टन हुआ, वो दोनों एक ही चैप्टर माने जाते हैं, समय चाल दूरी और ट्रेन से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो एक ही चैप्टर माने जाते हैं, औसत अनुपात समानुपात के जो चैप्टर होते हैं वो एक में आते हैं सब एक जैसे, तो ऐसे ग्रुप वाइज अगर आप करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। बाकी जो मैं बात करूंगा, अगर जैसे कुछ बच्चों का मैथ ज़्यादा ही वीक होता है, तो ऐसा नहीं कि अपने आप को अपने आप को हताश कर देना है। मानता हूँ कि मैथ थोड़ा हो जाता है उनके, लेकिन वो दूसरे सब्जेक्ट में उतने ही स्ट्रांग भी रहते हैं अगर आपने देखा होगा तो। ऐसा नहीं कि जैसे मैं अपनी बात करूँगा मैथ में या रीजनिंग में स्ट्रांग हूँ, तो ज़रूरी नहीं मैं जीके में भी उतना ही स्ट्रांग हूँगा। जैसे कि आप देख रहे हो मैं मैथ और रीजनिंग में तो ठीक ठाक कर लेता हूँ, बट जीके में उतना नहीं कर पाता, तो इसलिए जो मैथ में कमज़ोर होंगे तो उनका जीके बहुत अच्छा होता है। तो अपने आप को हताश नहीं करना, और कुछ चैप्टर को जो इजी चैप्टर हैं बस ये है कि रिलेट करके पढ़ना है। अगर आप परसेंटेज का पढ़ोगे तो उसको फ्रैक्शन वाइज का अगर देखा होगा आपने, शॉर्ट ट्रिक जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आजकल टाइमिंग की बहुत कमी पड़ती है, तो टाइमिंग की अगर आपको मैनेज करना है तो शॉर्ट ट्रिक जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर कहीं आप वैसे कोचिंग कर रहे होंगे जिसमें एक्स मेथड पढ़ाए जाते हैं या वैसे कुछ और लॉन्ग मेथड पढ़ाए जाते हैं, तो आपको किसी दोस्त से बात करनी चाहिए कि भाई मैं कहाँ से ऐसे
कौन सी कोचिंग क्लासेस लूँ या कहाँ से ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन भी बहुत चलने लगा है जिसमें शॉर्ट ट्रिक सिखाई जा रही हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली जैसे शहरों में जाना पड़े या कहीं अच्छे कोचिंग सेंटरों में जाना पड़े, आप मोबाइल पर सब्सक्रिप्शन लेके उसमें शॉर्ट ट्रिक भी सीख सकते हो। शॉर्ट ट्रिक बहुत ज़रूरी है आजकल अगर आपको टाइमिंग मैनेज करना है तो वीक बच्चों के लिए भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है, अपने अपने स्ट्रेटेजी बना के करना है और मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना है, क्योंकि मॉक टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि कौन सा चैप्टर हमारा वीक चल रहा है। पहले हमें जो समझ में आता है वो चैप्टर स्ट्रॉन्ग करना है, वही अगर आप मैथ में भी 50% स्कोर भी करते हो ना, तो आजकल ऐसा हो रहा है मैथ का 50%, रीजनिंग का, अगर रीजनिंग थोड़ा सबकी ठीक ठाक ही होती है कर ही लेते हैं, है ना, तो मान लो 20 के 20 भी नहीं तो 18 तक भी पहुँचते हो तो वो भी इनफ स्कोर माना जाता है। हिंदी आप आउट ऑफ आउट कर ही लोगे, अगर मैथ में नहीं करे तो हिंदी आउट ऑफ आउट का चांस करना थोड़ा, और जीके में थोड़ा ध्यान देना, तो बड़े आसानी से जो है आजकल सिलेक्शन हो जाता है। आप जैसे कि दुर्गेश भाई ने बता दिया, जो भी स्टूडेंट थोड़ा बहुत वीक है ना मैथ पे, तो उन्हें टॉपिक बता दे, जैसे आपका नंबर सिस्टम हो गया, टाइम एंड ओवर का हो गया, रेलगाड़ी हो गया, ये इजी होते हैं, आप अगर रिलेट करोगे प्रॉफिट लॉस बन जाएगा आपका, SICI ये सारे चैप्टर बन जाएंगे, आप मान के चलो इससे लगभग 30 नंबर का तो आ ही जाएगा। आजकल जो है अर्थमेटिक, जो दो पार्ट होते हैं मैथ के, एक होता है एडवांस पार्ट, एक होता है अर्थमेटिक पार्ट। अर्थमेटिक पार्ट में से SSC GD ज़्यादा पूछता है, आजकल एडवांस पार्ट निकाल दिया है लगभग, तो एडवांस पार्ट में से ज़्यादा कुछ नहीं, बस मेंसुरेशन आ रहा है आजकल, बाकी तो सब सिलेबस चेंज ही कर दिया है। अर्थमेटिक पार्ट जो मैंने चीज़ें बताई थी आपको, ये अर्थमेटिक चैप्टर थे जो कि परसेंटेज के से रिलेटेड चार चैप्टर हुए, टाइम एंड वर्क हुआ, पाइप एंड क्रिस्टन हुआ, और रेल वाले क्वेश्चन हुए या वो वाला चैप्टर हुआ, नंबर सिस्टम के बेसिक होते हैं वो अर्थमेटिक का बेसिक में आ जाता है, तो वो मैक्सिमम चीज़ें आती हैं बच्चों को, बचपन से पढ़ी होती हैं इतनी तो गिनतियाँ वगैरह हमने। बाकी यही बताना चाहूँगा, बस अर्थमेटिक पे थोड़ा ज़्यादा कंसेंट्रेट करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। मेंसुरेशन थोड़ा हार्ड पड़ेगा बच्चों को, क्योंकि वो क्योंकि पहले भी तो ऐसे जो हार्ड क्वेश्चन है वो थोड़ा बाद के लिए बचा के रखो, बस इतना ही है। दुर्गेश भाई ने आपको अच्छे से बता दिया, वीक वाले स्टूडेंट को भी बता दिया, और जो फुल में से फुल मार्क्स लाना चाह रहे हैं ना उनको भी बता दिया। अब दुर्गेश भाई से ये पूछते हैं कि जब आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे होंगे मैथ के क्वेश्चन, लगभग आपको एवरेज कितना टाइम लग गया था सारे क्वेश्चन में, आप थोड़ा सा बताइएगा बच्चों को। देखो स्टार्टिंग से बताना चाहूँगा मैं, अगर पहले मैंने मैथ अटैम्प्ट किया था जिसमें मैंने दो क्वेश्चन बाद के लिए छोड़े थे, रीजनिंग अटैम्प्ट किया था उसमें भी दो क्वेश्चन बाद के लिए छोड़े थे, ऐसे ही करते करते जब मैं गया तो लास्ट में मेरे पास में 5 मिनट बचे, तो जो मैथ और रीजनिंग के जो 4 क्वेश्चन थे उनको डील करने में मेरे को लगभग 5 मिनट का समय लग रहा था, बट उसमें जो रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन था मेरा, मैं बता रहा, मैथ के तो मैंने कर लिए थे, रीजनिंग का एक क्वेश्चन भी कर लिया था, जो रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन बच रहा था मेरा उस पर मैं कर रहा था, बट ज़्यादा टाइमिंग की जब लास्ट में 1 मिनट थी उसके लिए भी, बट हो जाता वो, बट लास्ट में जब 1 मिनट दिखती रहती है तो वो थोड़ा हॉपलेस हो जाते हैं, वो हॉपलेस नहीं होना, काम डाउन होकर करोगे तो वो हो जाता है। बस ये है कि आजकल टाइमिंग की वैल्यू है, टाइमिंग जितना ज़्यादा तुम स्टार्टिंग से बचा लोगे, क्वेश्चन बाद के लिए छोड़ोगे हार्ड वाले और लास्ट में तुम डील करोगे, तो एक स्टार्टिंग में हमारे गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि हम जो आते हैं 100% वही अटैम्प्ट करते हैं, और लास्ट के लिए टाइम भी बच जाता है, तो जो लास्ट में टाइम बचता है उनको भी हम जो उसमें क्वेश्चन करते हैं वो भी 100% जब हमारे होते हैं वही टिक करते हैं, तो गलत होने के चांसेस कम रहते हैं, जिससे एक्यूरेसी हमारी बहुत अच्छी रहती है। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी तो आजकल आपको पता है नॉर्मलाइजेशन स्कोर बहुत बहुत ज़्यादा मिलता है, किसी को तो कम मिलता है, वो सेट प्रैक्टिस सेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। मैं अपने शिफ्ट की बात करूँगा तो मेरे शिफ्ट में बच्चों के जो है माइनस भी हुए हैं, नेगेटिव भी हुए हैं, बट मेरा एक्यूरेसी बहुत सही रहा, इसलिए मेरा कम मिला नॉर्मलाइजेशन, बट मिला ज़रूर, तो एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी रखनी ज़रूरी है। दुर्गेश भाई जैसे एग्जाम में 14 से 15 क्वेश्चन तो मैथ के भी इजी लगते हैं, तो उन क्वेश्चन को कितने टाइम पे कर देना चाहिए? कई बच्चे ऐसे होते हैं उन्हीं क्वेश्चन जो इजी जो उसी में लग जाते हैं 40 मिनट 40 मिनट, फिर उनको लास्ट में टाइम नहीं बचता और सब्जेक्ट में, तो उनको 15 से 14 से जो 15 क्वेश्चन होते हैं उनको कितने मिनट में, लगभग इतने मिनट में ख़त्म कर देने चाहिए, ताकि वो भी आगे आने वाले जो स्टूडेंट है वो भी ऐसे ही करें। अगर मैं टाइमिंग की बात बताऊँ अलग अलग सब्जेक्ट को हमें कितना कितना समय देना चाहिए, तो मैं बताना चाहूँगा जैसे हमारे पास में 60 मिनट होते हैं 80 क्वेश्चन करने के लिए, जिसमें 20-20 के हमारे 4 सेट बने होते हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके। तो सबसे कम टाइम लगता है हमारा जीके और हिंदी में, तो जीके में मैं बताऊंगा 5 से 7 मिनट इनफ होते हैं, अगर आपका आपको सिलेक्शन चाहिए तो इतने में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 7 से 8 मिनट भी चल जाए तो वो भी चल जाता है, इतना चल जाता है 1 मिनट में, बट 8 से अगर 9 पे जा रहे हो तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाती है टाइमिंग के लिए। फिर मैं बात करूंगा 8 मिनट हमारे अगर इनको हटा साइड करें तो उसके बाद बचते हैं हमारे पास में 52 मिनट, जिसमें से हिंदी को दे सकते हैं हम 10 से 12 मिनट, 10 मिनट भी इनफ है 10 से 12,
तो अब अगर हम 10 मिनट भी लेते हैं तो 42 मिनट इनफ काफ़ी होते हैं। अभी हमारे पास में 42 मिनट हैं और हमारे पास में क्वेश्चन 40 बच रहे हैं। 40 क्वेश्चनों के लिए 42 मिनट अगर बहुत ज़्यादा माने जाते हैं अगर देखा जाए तो, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर हम उसमें बात करेंगे रीजनिंग के लिए, उसके बाद जो कम समय लगता है, मैथ थोड़ा ज़्यादा समय लेता है, उसके बाद जो है रीजनिंग का अगर समय की बात करूँगा मैं, तो रीजनिंग में हमारे पास में अगर हम 15 मिनट भी देते हैं तो बहुत इनफ समय माना जाएगा उसके लिए। तो 15 मिनट उसके लिए सिक्योर करते हुए 15 से 16 उसको साइड करेंगे, तो उसके बाद भी हमारे पास में अगर 16 मिनट भी हम साइड करते हैं तो 42 में से 6 गए हमारे, बचते हैं फिर 26 मिनट बचते हैं 20 क्वेश्चनों के लिए मैथ के। तो मैथ के लिए अगर आप 26 मिनट में, ज़रूरी नहीं पूरा स्कोर ही करना, जो जिनका मैथ अच्छा होता है उनके लिए 20 मिनट भी बहुत इनफ माने जाते हैं, बट मैं आप बात करूँगा जिनको मैथ में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है तो 26 मिनट में बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है। बस ये करना कोशिश, जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो टाइमिंग पे बड़ा फोकस करना उसमें, कि हमको इस सब्जेक्ट में इतनी ही टाइमिंग देनी है। अगर आप ऐसे टाइमिंग सिक्योर करते हुए चलोगे तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे, बहुत अच्छे से पेपर अटैम्प्ट कर पाओगे। दुर्गेश भाई, कई ऐसे बच्चे होते हैं जैसे अभी शुरू में प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो मैथ उनका वीक होगा, थोड़ा बहुत आता होगा, और जब मॉक टेस्ट देने बैठते हैं तो वो सोचते हैं मेरा तो स्कोर ही नहीं आ रहा, हताश निराश हो जाते हैं, शुरू में मॉक टेस्ट चेपने पड़ जाते हैं। जैसे शुरू में उनने पढ़ा नहीं, शुरू से सोचते, कई लोगों की वीडियो देखते हैं कि शुरू से मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देते हैं और मैथ में स्कोर आता नहीं, पहले वो सब्जेक्ट क्लियर नहीं करते, उनको कैसे मोटिवेट करेंगे पहले सब्जेक्ट थोड़ा बहुत क्लियर कर ले उसके बाद मैथ वगैरह के मॉक टेस्ट दे। अगर उन्होंने मॉक टेस्ट की सीरीज ले रखी है, कोई टेस्ट, बहुत टेस्ट सीरीज वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो उसमें जो है आपने देखा होगा चैप्टर वाइज भी सीरीज आती हैं, टेस्ट सीरीज आती हैं, तो उनको पहले चैप्टर वाइज सीरीज क्लियर करनी चाहिए। पहले चैप्टर क्लियर करो, उसमें वो सीरीज जो चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं वो लगाने चाहिए। फिर उसके बाद में अगर वो टाइमिंग नहीं बच पाती, कई बार जो है एंड में तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, एक महीना या डेढ़ महीना ही होता है उनके पास में और तैयारी उतनी नहीं हो पाती, तो उनके लिए बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारे पास में पूरा सिलेबस कम्प्लीट नहीं हुआ, बट जितना हमने कंप्लीट कर रखा है उसको 100% कोशिश करें करने की। एंड टाइम में आके जो सब्जेक्ट, जो चैप्टर हमने नहीं पढ़े, तो उन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, जो हमने पढ़ रखे हैं उन्हीं पे उन्हीं को प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि अगर हम 20 क्वेश्चनों में से 14 क्वेश्चन भी या 15 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करते हैं और 5 क्वेश्चन हमारे वो छूट जाते हैं जो हमने नहीं पढ़े थे, तो उनको करने की ज़रूरत भी नहीं है, वैसे भी हम सिलेक्शन ले सकते हैं 15 क्वेश्चन करके, फिर हम कुछ और तैयारी कर सकते हैं। बट ये है कि अगर हम डेढ़ महीने में 15 क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। दुर्गेश भाई की ये बात मेरे को बहुत काफ़ी अच्छी लगी कि जैसे आप सब्जेक्टेड पढ़ते हो ना, उसी सब्जेक्ट का टेस्ट दिया करो, अगर आप फुल टेस्ट की तरफ भागोगे ना फिर आपका स्कोर नहीं आएगा। देख जैसे आपने परसेंटेज पढ़ा उसमें तो आप स्कोर कर लोगे, अगर वगैरह जैसे टाइम एंड वर्क उसका आपने पढ़ा ही नहीं होता फिर स्कोर नहीं करवाए, तो सब्जेक्ट स्कोर करो तो धीरे 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 जैसे सारे सब्जेक्ट एक बार हल्के नॉर्मल तरीके से आप कर लेते हो फिर फुल टेस्ट लगाने की उसमें फिर टेस्ट वगैरह ऐसे लगाते रहोगे तो आपका स्कोर आ जाएगा। बाकी आप पहली बार हमारे चैनल पर इंटरव्यू दे रहे ना, या कैमरे के सामने फर्स्ट टाइम? हाँ, कैमरे के सामने भी फर्स्ट टाइम है और बोरा भाई के साथ में भी पहली बार ही है। दो दुर्गेश भाई फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो अब यहीं पे इसको एंड कर देते हैं। बाकी स्टडी मैथ के ऊपर ज़्यादा थी तो मैथ के ऊपर हमने ज़्यादा फोकस किया, तो अब आपका क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, बाकी क्वेश्चन आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, फिर कभी टाइम मिलेगा तो फिर और बताएंगे। जैसे जैसे आप कमेंट करोगे ना उस हिसाब से हम बताते रहेंगे आपकी कमियां कौन सी हैं, जैसे कमियों पर फिर ये भी काम करेंगे कि हाँ बिल्कुल स्कोर लाया तो मैथ में अगर फुल स्कोर लाया तो कुछ तो पढ़ाएगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से टेस्ट दिए होंगे, वहाँ पर प्रेशर इनने मेंटेन किया होगा तब जाके ये स्कोर आया होगा। इसमें भी आपको बता दें कि इनके मैथ और रीजनिंग में फुल मार्क्स है, तो इस बार भी फुल मार्क्स आपके भी आने वाले अगर आप रोजाना पढ़ाई करोगे, अगर आप रोजाना पढ़ाई करोगे तो इस तरीके से। तो यहीं पे इसको एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को गाइज मिलते हैं मेरे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जवाहर, भगवान करे आपका दिन शुभ हो, टेक केयर, बाय बाय, आई टी वी पी की जय।